Hello students, today we see the properties of radio waves. In that properties of radio waves, there are four properties, that is refraction, reflection, diffraction, interference. Okay, in that the two properties, that is refraction and reflection, is very important. So see the first property, that is the refraction. Okay, see, this is the diagram of refraction. In that we see the detailed description of refraction. The first is that we see that this is the incident rays, first incident ray and second incident ray. Okay, this is the normal ray and this is the media interference, that is media first and media second. Okay, this one is the incident wavefront and this is one is the refracted wavefront. Okay, in that these rays are called as a refracted ray. So see, the detailed description is that first point is that it is defined as the change in a direction of a ray when it passes from medium of lower density to the higher density. Means क्या होता है, जब भी direction जो है, ray जो है pass होती है lower medium to higher medium, तब इसकी direction जो है वो क्या होती है, change होती है. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है direction changes. Okay, second point है the refraction takes place when the two medium have a different densities. यहाँ पे जो है densities कैसे रहती है, different रहती है, तभी जो है refraction होता है. Okay, this is because the velocity of wave propagation is inversely proportional to the density medium. Okay, velocity जो है आपकी वो कैसे रहती है, inversely proportional to the density रहती है, इसीलिए वो lower to high क्या होता है, प्रोपोगेट होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द मीडियम फर्स्ट हैज अ लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ मीडियम सेकेंड. ओके, मीडियम फर्स्ट जो है उसकी डेंसिटी कम रहती है एज कंपेयर टू द सेकेंड केस से. इट इज क्लियर दैट द रे फर्स्ट एंटर्स द सेकेंड मीडियम बिफोर रे सेकेंड. ओके, रे फर्स्ट जो है क्या होता है, सबसे पहले एंटर होता है मीडियम सेकेंड में एज कंपेयर टू रे सेकेंड से. ओके, देयरफॉर इट कवर्स द लेस डिस्टेंस एज कंपेयर टू द रे टू. इसलिए रे वन क्या करता है, लेस डिस्टेंस कवर करता है एज कंपेयर टू रे टू. ओके, व्हेनेवर, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेनेवर रे पासिस फ्रॉम लेस मीडियम टू मोर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, जेवा जब क्या होता है, रे क्या होता है, लोअर मीडियम टू हायर मीडियम में क्या होता है, पास होता है, तब वो क्या होता है, नॉर्मल से बेंड होता है. ठीक है, नॉर्मल से क्या हो रहा है, ये बेंड हो रहा है. ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द रे पासिस फ्रॉम मोर मीडियम टू लेस मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अभी ये क्या हो रहा है, बेंड अवे हो रहा है नॉर्मल से. ओके, यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल ऑफ एंगल मेजर्ड बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज द मेजर्ड बिटवीन रिफ्रेक्टेड वेव एंड नॉर्मल. अभी यहाँ पे क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कैसे मेजर करते हैं हम लोग, मेजर्ड बिटवीन इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल. मीन्स ये जो है ये आपका क्या रहेगा, इट इज द इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्रेक्टेड एंगल है वो क्या रहेगा, जो नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड रे के बीच में का है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रेक्टेड एंगल. ओके, ये हो गया रिफ्रैक्शन का है जो एक्सप्लेनेशन है आपका.
वो डायग्राम के ऊपर से हम लोगों ने देख लिया है, एक बार राइटिंग में भी देख लेंगे ये पॉइंट्स क्या क्या है. ओके ओके सी दीज आर द पॉइंट्स. फर्स्ट इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम मीडियम ऑफ लोअर डेंसिटी टू द अदर मीडियम ऑफ हायर डेंसिटी. ओके नेक्स्ट है द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द टू मीडियम हैव अ डिफरेंट डेंसिटीज एंड दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन इज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम. नेक्स्ट है मीडियम फर्स्ट हैज अ लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ मीडियम टू. इट इज क्लियर दैट रे फर्स्ट एंटर्स द सेकेंड मीडियम बिफोर द रे सेकेंड. Therefore, it covers less distance as compared to the ray 2. Okay, next day, whenever ray passes from less medium to more medium, it bends towards the normal. On the other hand, when the ray passes from more medium to the less medium, it will bend away from the normal. Okay, last point dekho. Okay, see the last point. The angle of incidence is the measured between incident wave and normal, and angle of refraction is the angle measured between refracted wave and normal. Okay, तो यहाँ पे हो गया refraction, उसके बाद में देखेंगे reflection. So see the diagram of EM reflection, that is electromagnetic reflection. Okay, see this is the incident wavefront. Okay, and this is the reflected wavefront. Okay, then medium first and medium second, and this is the normal. Okay, this is also already see that theta I means it is incident angle and theta R it is the reflected angle. Okay, see the first point is that the meaning of word reflect is to turn back. Okay, and the reflection is the process, the reflection of EM wave takes place when it strikes the boundary, of two media, and all the incident ray does not enters the second medium. अभी ये क्या है, अपना first medium है और ये second medium है. तो जो incident ray है वो क्या होते हैं, जो boundary को है वो क्या होते हैं, strikes करते हैं और वो मीडियम सेकंड में एंटर नहीं होते हैं, और उसको क्या हम बोलते हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन. ओके द ईएम व्हिच डज डू नॉट एंटर द सेकंड मीडियम आर रिफ्लेक्टेड. जो ईएम वेव होते हैं वो क्या है, वो सेकंड मीडियम में एंटर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं. ओके द ई आई इज द इंसिडेंट वोल्टेज. जो ई आई होता है वो क्या होता है, इंसिडेंट वोल्टेज होता है, और ई आर जो होता है वो होता है इंसिडेंट, वो होता है रिफ्लेक्टेड वोल्टेज. ओके ई आई होता है इंसिडेंट वोल्टेज, ई आर होता है रिफ्लेक्टेड वोल्टेज. ओके एंड थीटा आई, थीटा इज ऑलरेडी सीन, दैट इज इंसिडेंट एंगल एंड इट इज रिफ्लेक्टेड एंगल. ओके ऑल द ट्रांसमिटेड एनर्जी इज रिटर्न्ड एज अ रिफ्लेक्टेड एनर्जी. ये जो ट्रांसमिटेड एनर्जी होती है वो रिटर्न आती है एज अ रिफ्लेक्टेड एनर्जी करके. ओके द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स विल बी इक्वल. जो वेलोसिटी लगती है आपको इंसिडेंट करने के लिए और रिफ्लेक्टेड करने के लिए वेव को, वो कैसी रहती है, सेम रहती है. ओके उसके बाद में जो है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. ओके जो एनर्जी है वो सेम लगती है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को, इसीलिए जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल सेम रहता है, मीन्स थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर होता है. ओके उसके बाद में जो है हम लोग देखेंगे, दैट इज डिफ्रैक्शन. के पहले हम लोग जो है इसके पॉइंट देख लेंगे रिफ्लेक्शन के. तो फर्स्ट है द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड रिफ्लेक्ट इज अ टर्न बैक एंड द रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस. द रिफ्लेक्शन ऑफ ईएम वेव टेक्स प्लेस व्हेन इट स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया एंड ऑल द इंसिडेंट रे डज नॉट एंटर्स द सेकेंड मीडियम.
okay, the EM wave does not enters the second medium are reflected. EI is the incident voltage and ER is the reflected voltage. Theta I is the incident angle and theta R is the reflected angle. Then all the transmitted energy is returned as a reflected energy, and the velocity of incident and reflected wave will be equal. Hence the angle of reflection is equals to the angle of incidence. Okay, उसके बाद में हम लोग diffraction देखने वाले हैं. Diffraction, see diffraction, that is the first point in diffraction is that it is defined as the redistribution or modulation of energy within a wave front. Okay, redistribution और मॉड्यूलेशन. रिडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो है अपन लोग क्या करते हैं एनर्जी का अगेन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर उसमें हम लोग मॉड्यूलेशन मीन्स कुछ क्वालिटी चेंज करते हैं विद इन द वेव फ्रंट व्हेन इट पासेस नियर द एज ऑफ एन मीडियम. और वो हम कहाँ पे पासेस करते हैं, जो भी मीडियम है हमारा, ठीक है, उसकी एज, उसके कॉर्नर को पास करते हैं. ड्यू टू दिस कंसेप्ट द ईएम वेव्स आर एबल टू प्रोपगेट अराउंड द कॉर्नर. इसके वजह से क्या होता है, जो अपना ईएम वेव है वो क्या होता है, कॉर्नर पे प्रोपोगेट होता है. कॉर्नर मीन्स जो भी मीडियम है, जैसे पहाड़ी एरिया वगैरह रहता है, वहां पे जो सिग्नल पहुंचता है कॉर्नर का, तो वहां पे कम पहुंचता है. ओके, बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें. ड्यू टू द डिफ्रैक्शन द वेव फ्रंट स्प्रेड आउट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन. ओके, डिफ्रैक्शन के वजह से क्या, ओके, डिफ्रैक्शन के वजह से क्या होता है, जो भी वेव फ्रंट है अपने वो क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं. जो भी डेस्टिनेशन होता है उससे वो स्प्रेड आउट होते हैं. स्प्रेड आउट मीन्स स्प्रेडिंग, आप क्या बोलते हैं, जो है स्प्रेड जो है वेव्स वो किसके वजह से होती है, विच इज डिफ्रैक्शन. ये इफेक्ट किसके वजह से होता है, डिफ्रैक्शन के वजह से. ओके, नेक्स्ट है लास्ट, सी द नेक्स्ट, दैट इज इंटरफेरेंस. दिस इज द डायग्राम फॉर इंटरफेरेंस, दैट इज दिस इज द सोर्स. इन दिस सोर्स देयर इज अ टू वेव, दैट इज वेव फर्स्ट एंड वेव सेकेंड. ओके, एंड दिस इज द डेस्टिनेशन पॉइंट, दैट इज पी. ठीक है, ये जो सोर्स है यहां से क्या होता है, दो वेव क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं अपने डेस्टिनेशन के इधर. एक होती है डायरेक्ट और एक जो है वेव टू होते रिफ्लेक्टेड. ओके, सो दीज वेव्स, ये जब दो वेव्स एक ही पॉइंट डेस्टिनेशन के यहाँ पे जाती है, तो इसमें क्या जनरेट होता है, एक इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस मीन्स अपोजिशन. ये दोनों वेव क्या होती है, एक ही जगह पे टकरा जाती है और अपोजिशन मीन्स हम लोग बोलते हैं उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है. ठीक है, तो देख लेंगे इसमें क्या है. द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड इंटरफेरेंस इज द अपोजिशन. तो ये दोनों क्या करेंगे, एक मेक को अपोजिशन करेंगी. द ईएम वेव इंटरफेयर विथ ईच अदर व्हेन टू और मोर वेव्स कंबाइन टुगेदर इन सच अ वे दैट सिस्टम परफॉर्म विल रिड्यूस और डिग्रेड. इसका वजह से क्या होता है, इंटरफेरेंस के वजह से जो भी सिस्टम है उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और डिग्रेड हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस. मीन्स एक ही डेस्टिनेशन है, लेकिन उसके यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वेव्स एट ए टाइम आ रही है, तो उसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस जनरेट होता है. तो ये जो है डायग्राम है. सो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म हो चुका है. सो थैंक यू.